हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसएससी का एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपका सीजीएल का है, ये आपका हुआ था 6 दिसंबर को 2022 को। टाइमिंग है 5:15 से लेकर 6:15 तक, मतलब लास्ट शिफ्ट। इस दिन की शिफ्ट 4 है, तो इसका हम एग्ज़ाम देखेंगे। किस इसमें हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग को सॉल्व करेंगे यहाँ पर आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि मिरर इमेज हमें बताना है। मिरर इमेज मतलब बी से स्टार्ट होना चाहिए और बी कुछ इस तरह से आएगा, राइट? तो इसमें बी अलग तरीके का कट कर दो, इसमें बी थोड़ा उल्टा दे दिया। अब यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में ये चेक करो कि कौन सा अलग दिखाई दे रहा। तो मुझे जे अलग दिखाई दे रहा दोनों में। ठीक है, तो जे ऐसे है तो इसमें क्या होगा, जे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो कट हो रहा है नीचे की तरफ, ये आपका इस साइड में लेफ्ट साइड में हो तो इस साइड में राइट साइड में हो जाएगा। तो देख लो इसमें नहीं है तो इसको कट कर दो और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद सेकंड का आंसर था। ठीक है, मतलब स्टार की जगह क्या रिप्लेस करें इनमें से, ऑप्शन ऑप्शन में से, तो वो हमें चेक करना है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन खुद ट्राई करने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है। एसएससी का आंसर मैं राइट ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 25, 2, 220, 11, 43। ठीक है, तो लास्ट में इज इक्वल टू माइनस प्लस डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। और ये आपका 23 बना देगा, राइट? 23 और 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है लास्ट वाला ऑप्शन। और बाकी के ऑप्शन अपने आप ट्राई करके ये बता, ये जरूर देखना कि क्या किस तरह से क्या आंसर आ रहा है इनका। ठीक है, क्या बोला कि 7 को 13 बना दिया। ओके, 7 को 13 बना दिया, 16 को 31 बना दिया, तो 46 को क्या बनाएंगे ये देख पूछना हमने। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ क्या है कि 7 से 13 बनाया तो 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आया 14, -1 कर दिया। ठीक है, इधर भी देखो 16 को 31 बनाया गया, मतलब 16 दोना 32, 32 में से 1 माइनस कर दिया, 31 हो गया। लॉजिक ठीक हो गया, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो। 16 46 दूनी 92, 92 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 91। 91 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इसमें आप देखो क्या कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो हम यूरो का निशान देखते हैं, तो ये आपका राइट डाउन, फिर सेंटर में, ठीक है, फिर लेफ्ट डाउन, ओके, फिर सेंटर में आया, अब ऊपर की तरफ, फिर आई थिंक ये ऊपर की तरफ यहाँ पर आना चाहिए आपकी बार यूरो का निशान। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में यूरो का निशान नहीं है इस साइड में, कट कर दो, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी नहीं है। अब थर्ड और फर्स्ट में अपना आंसर है। ठीक है, तो एक बार मैच कर लेता हूँ कि कौन सा अलग है इसमें। ओके, एरो का निशान अलग है, बाकी दोनों सेम है। तो एरो को आप चेक कर लेते हैं, एरो यहाँ मिडल में है तो सीधा है, इधर मिडल में आया तिरछा हो गया। ठीक है, तो इधर मिडल में आया सीधा हो गया, इधर मिडल में आया फिर टर्न कर दिया, इधर मिडल में आएगा ये। ठीक है, और सीधा हो जाएगा, सीधा किस तरफ, ये ऊपर की तरफ है, ये आपका ऊपर लेफ्ट, और इधर हो जाएगा डाउन की तरफ, एरो डाउन की तरफ हो जाएगा भाई। ठीक है, और क्यों क्यों, क्योंकि आप इसको देखो कि ये एरो जा गया यहाँ इस तरह से मना, और फिर इस इधर से इधर आया तो इस तरह से ये साइन दे दिया। ठीक है, और इधर से इधर आया तो नीचे की तरफ साइन हो गया इसका। ठीक है, और अब की बार फिर इधर आएगा तो बिल्कुल नीचे हो जाएगा साइन। ओके, तो इस तरह से इस एरो को डिजाइन किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बोला कि रिप्लेस ऑफ हैशटैग,
तो इनकी जगह रिप्लेस सी एस एन लगाने हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपको तीनों को तीनों ऑप्शन जरूर ट्राई करना है, फोर्थ ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। तो फोर्थ ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, तो देखो फोर्थ ऑप्शन ये आपका 44 है, -38 ओके, फिर प्लस सेकंड, फिर टू, टू के बाद प्लस के बाद मल्टीप्लाई है, लास्ट ऑप्शन में 5, फिर मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड दे दिया, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई 2 ओके, और फिर से मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 दिया गया। ठीक है तो ये आपको साइन दिए गए हैं, तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं 44 माइनस 44 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका 10 हो जाएगा राइट ओके, डिवाइड बाय 8 ओके और मल्टीप्लाई बाय 5 ये बताना। तो ये 8, ये 16 हो गया, तो 8 से कट कर दो तो 2, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन राइट है, और बाकी के सारे ऑप्शन आपको अपने आप ट्राई करना और ये पता लगाना कि किस तरह से क्या आंसर आने वाला है। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पी जो है वो फादर है आर का, ये रिलेशन हमें बताना ऑप्शन कौन सा होगा। तो पी प्लस क्यू, यहां पर प्लस आपका, तो यहां पर पी जो है वो फादर हो जाएगा क्यू का, पी जो है वो फादर हो जाएगा क्यू का, क्यू डिवाइड बाई आर, क्यू डिवाइड बाई आर किधर है लास्ट में, क्यू डिवाइड बाई आर, इसका मतलब क्यू जो है सिस्टर है किसकी, आर की, तो ये रिलेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है फादर का रिलेशन, और कुछ यहाँ प्लस है, डिवाइड का मतलब सिस्टर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड का मतलब सिस्टर गलत, प्लस तो प्लस वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, और मल्टीपल वाला देख लेते हैं। तो मल्टीपल में क्या है, एल जो है मदर हो जाएगी, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन में ये कह रहा है कि क्यू का तो फादर है लेकिन क्यू जो है ना वो आर की मदर हो जाएगी, तो यहाँ पर तीन कैटेगरी आ जाएंगी, जबकि हमें 2 कैटेगरी में आंसर देना था। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि पी का रिलेशन टी से बताना है, पी का रिलेशन टी से मतलब कंप्लीट लाइन सोल्व करनी है। तो पी माइनस क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, ठीक है सेम क्यू इज द मदर ऑफ आर ओके, आर स्टार एस, तो आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस, एंड डॉलर एस डॉलर टी, एस इज द सन ऑफ बी, एस इज द सन ऑफ टी, ठीक है ये इसका सन है। अब ये अगर फीमेल है और दोनों के चाइल्ड ये हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ, तो ये मेल हो जाएगा राइट ओके। तो अब पूछा कि पी का रिलेशन टी से क्या होगा, तो टी का क्या, पी क्या लगेगी, टी की जो आपकी मतलब अपनी वाइफ, उसकी वाइफ की मदर है, तो उसकी वाइफ की मदर को हम क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ बोल दिए। ठीक है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इस फिगर को हमें ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में आपका राइट आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये दिखा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे, देखो बहुत ज्यादा डार्क फिगर, फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा बताने की, तो आप ये फिगर जरूर देखें। ठीक है एक बार, तो ये लाइन, ये लाइन, ठीक है ये फिगर जरूर देखना। ठीक है तो इसको हम क्या, आप क्या करोगे कि पहले बैक साइड बैक जाओगे, फिर आराम से देख रहे कि ये फिगर मैच करेगी, तो मेरे ख्याल से तो ये फिगर मैच करेगी, बाकी अपने अकॉर्डिंग जरूर बताना। ठीक है बोला कि प्लांट्स बोटेनिस्ट एनिमल्स को क्या है, तो प्लांट्स की जो खोजबीन करते हैं वो बोटेनिस्ट होते हैं, और एनिमल के बारे में जो ज्ञानी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है
अब केमिस्ट किसे बोलते हैं जो दवाइयों के बारे में जानकारी रखता हो? जियोलॉजिस्ट वो उसको बोलते हैं जो धरती के बारे में जानकारी रखता हो। आर्कियोलॉजिस्ट जिसे पुरानी चीजों में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 7 4 56। ओके, 7 4 56, दूसरा क्या 8 3 48। ओके, तो क्या लॉजिक लगा? तो देखो सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ मेरे ख्याल से। ये 56 को मैं जैसे मैंने 7 से 56 को डिवाइड किया तो 8, तो 8 4 का डबल है। इधर 8 को 48 से डिवाइड किया तो 6, और 3 6 जो है वो 3 का डबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 का डबल ले लेता हूँ और इसको 8 ले लेता हूँ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा कि ये आंसर ले दूंगा। ठीक है, सेम यहाँ पर 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 6, और इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक सिंपल सा काम करो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई 2 कर दो, फिर भी वही आंसर आने वाला। तो मैं एक काम करता हूँ कि 2 के साथ मल्टीपल करता हूँ फर्स्ट की, फिर आपकी सेकंड की मल्टीपल करता हूँ, जो कि थर्ड आंसर अपना दे देगा। तो ये लॉजिक हमें चेक करना है कि इसमें कोई भी एक ऑप्शन होगा इस। ठीक है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें कि अगर हम ये लॉजिक लगाएंगे तो ये क्या आंसर देने वाला है। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। तो 9 गुना 10 और गुना 2, तो 90 गुना 2 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक जरूर ट्राई करना और आपका आंसर आ जाएगा। बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इस इधर, तो फर्स्ट सभी भाई तीन तीन दे रखे हैं, तो हमें कोई 2 या 3 सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें। तो ए फर्स्ट ले रहा हूं मैं सभी का, 1 3, ये क्या आएगा 7 9। तो आप देखोगे 2 2 का डिफरेंस, राइट, और प्लस कर रखे हैं आगे जाने के लिए, तो इधर भी प्लस कर देंगे, तो 5 5 पे कौन सा लेटर आता है, ई। 5 पे कौन सा लेटर आएगा, ई। तो इसको कट कर देते हैं। अब सेकंड देखते हैं, तो 3 6 यहाँ क्या आएगा, फिर 12 फिर 15। आप देखो 3 के मल्टीपल है तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आने चाहिए, और 9 पे कौन सा लेटर आएगा, आई, तो सेकंड पे आई आएगा, तो इसको भी कट कर दो। ये इसमें थर्ड में दोनों में जे है, तो लास्ट चेक कर लो, तो लास्ट क्या है 4 7, इधर क्या आएगा फिर 13 फिर 16। 3 3 ऐड हो रहे, 3 3 ऐड है। ठीक है, तो इधर भी 3 ऐड करो, 10 आ जाएगा, और 10 पे कौन सा लेटर होता है, जे। तो लास्ट में जो होगा वो जे होगा, इसको भी कट कर दो, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो अरेंज करके थर्ड पोजीशन हमें बतानी है, राइट। तो देख लो कौन से कितने लेटर मैच कर रहे हैं, चौको चौको चौको, ठीक, इसमें सी तक है, फिर के लास्ट में। तो आप देखो के पहले आता है या ओ पहले आता है, तो सबसे पहले के आएगा, तो फर्स्ट लेटर पर तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। फिर इनमें एल एच एल 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 और एच दिया हुआ है, तो एच और एल में कौन पहले आता है, तो एच पहले आता है, तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों में क्या दे रखा है, LA LA दे रखा है सभी में। ठीक है, फिर इसमें टी, सभी में टी भी दे रखा है राइट, और फिर EY I। तो आप पहले कौन सा दोगे, EY में पहले कौन सा था, E आता, तो थर्ड पोजीशन पर ये आ जाएगा, फिर आपका I आता फोर्थ पोजीशन पर ये आ जाएगा, और फिफ्थ पोजीशन पर ये आ जाएगा। तो आपसे जो पूछा वो उसकी पोजीशन बता दो, थर्ड पोजीशन चॉकलेट की, तो चॉकलेट आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला कि अपोजिट फेस ऑफ 3 बताना है, तो 3 आपका यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो आप चेक करो कुछ ऐसा हो कि आपका आंसर आ जाए। तो आपको अगर पता भी नहीं हो तो आप सिर्फ वो नंबर निकालो जो 3 के साथ में है, जो 3 के साथ में है, के साथ। ठीक है, तो साथ वाला तो कभी अपोजिट नहीं होता, तो साथ में कौन कौन है, इधर से 2 है,
दो है, इधर से देखो 6 भी है, ठीक है, और आगे चेक करोगे इसमें 1 भी है और इधर 4 भी है, ठीक है। तो मुझे बस इतना पता करना था, आप आपको पता है डाइस में 6 नंबर होते हैं, बचा कौन, 5 बचा, और तो जो 5 होगा ना, ये क्या होगा, अपोजिट है, 5 जो है वो अपोजिट है 3 का, ठीक है, चाहे ऑप्शन मैच कर सकते हो आप, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बताया, लेकिन आपको ऑप्शन से ही मैच करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा, एक भी मैच, एक साथ में है, दो भी साथ में है और 4 भी साथ में है, तो बचा कौन, वो ही आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। इधर देखते हैं, 5103 1701 567, इधर क्या आएगा, 63 और 21। तो जैसे मैं ये चीज लिख जाता, जैसे मुझे पता चल गया कि क्या है ये, इधर जाने के लिए 3 से डिवाइड किया, सेम इधर जाने के लिए डिवाइड बाय 3 किया, तो इधर जाने के लिए डिवाइड बाय 3 किया, डिवाइड बाय 3 है सभी में, चाहे आप सॉल्व करके देख सकते हो, सेम हम यहाँ पर डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 189 आ जाएगा आपको, 189 दे देगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें पता लगाना है, चलो करते हैं पता। तो ये जो है ये ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ, फिर एक और ऊपर, मतलब बार बार ये टर्न कर दिया गया, ठीक है, टर्न कर दिया गया ऐसे, ओके। तो ये जो ऊपर की तरफ है ये तो नीचे की तरफ आएगा आपको, ठीक, एक कितने बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बन गया, ठीक है। अब एक हर एक में एक एक जुड़ता जा रहा है, तो एक और जोड़ दो ये वाला, तो ये फिगर आपकी मैच होनी चाहिए, तो आई थिंक सेकंड फिगर मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और देख लेते हैं, और इसमें ये नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये आना नहीं चाहिए, ऊपर वाला भी नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि ऑड ग्रुप हमें बताना है नंबर में, तो ऑड ग्रुप निकालते हैं, तो मैं इन ऑप्शन का लॉजिक आपको समझाता हूँ कि 15 और 220, 15 का 220 से क्या रिलेशन बनाया, कि 15 का स्क्वायर किया कितना आया 225, 225 में से 5 माइनस कर दिया कितना आया 220, ठीक है भाई। यहाँ पर भी 16 का स्क्वायर किया कितना आया 256, माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 251, समझ गए होगे लॉजिक। तो 17 का स्क्वायर किया 289, 289 में से 5 माइनस किया 284 आपका दे देगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, और 196 में 5 माइनस करें तो 191 होता है, तो 191 की जगह यहाँ पे कितनी क्या दे रखा 193, और ये ऑप्शन आपका सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, कि बोला कि सकुर स्टूडेंट्स हॉस्पिटल, सकुल में कौन आते हैं, बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, हॉस्पिटल में कौन आते हैं, मरीज आते हैं, मरीज को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे टीचर होता, अगर यहाँ पे टीचर होता तो फिर हम क्या बोल सकते थे, डॉक्टर होता, ठीक, तो इस तरह से आप कर देते हैं। अगर स्कूल के साथ पढ़ाई से रिलेटेड कोई वर्ड होता तो फिर हम क्या करते थे, डिजीज कर देते, तो अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग कंडीशन होती, तो इस वजह से आपका पेशेंट राइट राइट आंसर होगा, ठीक। बोला कि स्टेटमेंट कंक्लूजन दे दी गई है यहाँ पर, बोला कि ऑल आर आर पी, क्या सभी आर पी हैं, ओके, ऑल आर आर क्यू, मतलब ऑल आर आर क्यू, दो कंडीशन दे दी, ठीक है, आर को पी भी बना दिया और आर को क्यू भी बना दिया। अब देखा कि अरे यहाँ पर तो नो इनो दे दिया, मतलब यहाँ पर तो रिलेशन बनाएगा, ठीक है, अगर नो पी इज क्यू, अगर पी क्यू नहीं है अपने अकॉर्डिंग तो नहीं है, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी दे देते ना, पॉसिबिलिटी वर्ड, ठीक है, तो
तो ये पॉसिबिलिटी के कारण ये हो जाता है राइट, लेकिन अब क्या हो गई, ये गलत हो जाएगी क्योंकि हम पी को क्यू के बराबर मान लेंगे यहाँ पे। ठीक, नो आर इज पी, कोई भी आर पी नहीं है, अगर सारे के सारे आर पी है तो ये लाइन तो इन्होंने ऐसे ही गलत कह दी, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका ना इधर नो ना इधर का आंसर आ जाएगा। ठीक, टेक्नोलॉजी को ये बोल दिया, जनरेशन को ये बोल दिया, और अपोकलिप्स को क्या लिखा है ये बताना हमें। ठीक है, तो अब देखो कि टेक्नोलॉजी के सारे लेटर इसमें है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है। NHCET OLOGY ओके। अब आप इतना देखो, N तक क्या किया, रिप्लेस कर दिया ओके और इसको सेम सिचुएशन में आगे चलना दिया। ठीक है, तो पहले मैं रिप्लेस किया है फिर सेम किया है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, APOCALY PSE, तो इतना चेक करो, इसको रिप्लेस कर दो ACOPA, AC यहाँ पर C नहीं है, ACO यहाँ पर O नहीं है, ACOP यहाँ पर नहीं है और एक ही बचा है। ठीक है, और इसको सेम आगे एज इट इज चलने दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज दे रखी और राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि इंटरचेंज करना है इन सभी को और करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना। आप क्वेश्चन पढ़ भी लिया करो क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर नॉट करेक्ट दे देता है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आपने सारे के सारे ऑप्शन मैच करना, मैं SSC का आंसर मैच कर रहा हूँ, तो चार चार गुना 7 की जगह 6, प्लस की जगह माइनस, 6 की जगह 7, माइनस की जगह प्लस, 3 डिवाइड बाई 1, तो 24 माइनस 7 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 20 दे देगा। ठीक है, तो ठीक है, बाकी का आंसर अपने आप मैच करो, इंटरचेंज करो और पता लगाओ कि क्या आंसर आने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, तो अलग निकालना ओके। तो फर्स्ट लेटर चेक कर रहे हैं, तो ए ए आपका 1, एफ आपका 6, के आपका 11 और पी आपका 16। देखो 5 5 ऐड किया गया, 5 5 5। ठीक, अब इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 21 पे कौन सा लेटर होता है, यू, तो जिसमें यू नहीं है वो कट करो फर्स्ट। और इसके अलावा हम लास्ट का चेक कर रहे हैं, लास्ट का डी 4 22 14 और 6। तो 4 से 22 पता नहीं आपको कैसे समझ आएगा, लेकिन मैं 22 से 14 करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है -8 के, इधर भी -8 के, इधर भी -8 करेंगे, -8 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, -2, इसका मतलब ये -2 क्या है, अगर हम एक तक गए फिर अल्फाबेट में 26 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, और 25 इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा ओके ओके 25 आएगा, तो 25 पे कौन, सॉरी 25 नहीं 24 आएगा, ये तो -1 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी -1, फिर आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, 24 आएगा, सॉरी भाई 24 आएगा। ठीक, बताऊंगा कैसे आएगा, 24x दे देगा, तो ये कट हो जाएगी आपका राइट आंसर। अब देखो ये क्या बताया मैंने, -2। ठीक है, तो आपको पता कि 26 अल्फाबेट होते हैं टोटल। ठीक है, तो 26 में से 2 माइनस कर दो, फिर ऐसे कर दो। ठीक, कैसे भी कर लो आपका राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, अब बोर्ड को क्या बोला गया, ये लिख दिया, एक्सेस को ये लिख दिया और एजेंसी को क्या लिखेंगे, तो अलग अलग लेटर हैं तो नंबरिंग लिख लो, 1 2 18 15 1 4, तो इधर 4 6 15 18 4 8 ओके, तो यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर -3, यहाँ पर +3,
भाई। अच्छा इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है। ओके इन दोनों को क्या किया गया, इंटरचेंज। ओके +3 +4। ओके ये ठीक है भाई, तो एजेंसी को लिखते हैं, तो ये आपका 1714325। तो इसमें +3 ऐड करोगे तो 4 4 पे कौन आएगा, डी। कट कर दो सभी को जिसमें डी नहीं है। ओके 7 7 में +4 करोगे तो 11 11 तो कौन सा आता है, के। इसको भी कट करो, ठीक है। फिर इन दोनों को इंटरचेंज करना, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो 14 इधर आ जाएगा एन, 5 इधर चला जाएगा ई। ओके और 3 में 3, क्योंकि 3 प्लस करना है, इधर 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 पे कौन सा आता है, एफ। और 25 पर +4 करोगे 29 29 पे कौन सा आता है, सी। क्योंकि 29 को हम 26 से माइनस कर देंगे और आपका 3 आ जाएगा, और 3 पे कौन सा आता है, सी। तो आपका फर्स्ट लेटर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या कि 9 16 और 5, 7 9 और 4। तो जैसे मुझे यहां दिखाई दिया 16, यहां पर 9 दिखाई दिया, तो मुझे क्या पता चला कि ये 4 का स्क्वायर है, राइट, ये 3 का स्क्वायर है, राइट। तो फिर मुझे क्या पता चला कि भाई 9 और 5 का डिफरेंस ही 4 दिया है, यहां पर 7 और 4 का डिफरेंस 3 दिया गया है, ठीक है। आप समझ गए हो गया, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, सॉरी थर्ड किया, और फिर इसका स्क्वेयर कर दिया जो कि कितना दे देगा, सेकेंड दे देगा। ये आपका लॉजिक लगाया गया है इस क्वेश्चन में, तो चेक कर लो। तो 11 माइनस 5 का स्क्वेयर, 11 माइनस 5 कितना आता है, 6 6 का स्क्वेयर कितना दिया, 36। बिल्कुल सेम मैच करके, और बाकी की खुद के खुद प्रैक्टिस के लिए जरूर सॉल्व करके देखिए, ठीक है, इस लॉजिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया हुआ है। बोला कि सम बॉटल्स आर टॉवल्स, नो टॉवल इज पिलो, ओके, ऑल बॉटल आर कॉट, ओके। बोला कि सम कॉट आर टॉवल, क्या कुछ कोट टॉवल है, हाँ, अगर सम बॉटल टॉवल्स हैं तो इसका मतलब कोट्स भी टॉवल हो जाएंगे, राइट हो जाएगा। नो कोट इज ए टॉवल, यहाँ पर जब दे दिया कि कोट टॉवल है तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, नो का मतलब तो होना नहीं चाहिए। सम बॉटल आर पिलो, कुछ बॉटल पिलो है, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाता है, वर्ड पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो डॉट डॉट में हम क्या दिखा सकते हैं कि टॉवल तो पिलो नहीं है, लेकिन बोतल पिलो हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं तो जहां पर सकते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी आना चाहिए, और पॉसिबिलिटी अगर आता तो ये राइट हो जाता, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया गलत, तो आपका सिर्फ एक ही कंक्लूजन राइट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि ऑड वन निकालना है, ओके ऑड वन निकालते हैं, तो भाई मैं लास्ट के ज्यादातर क्या करता हूँ, लास्ट के 2 लेटर उठाता हूँ, ठीक है, बाकी के आप अपने अकॉर्डिंग उठाएं। तो 11 9 15 17, ठीक है, 6 4 3 1। तो इधर क्या क्या -2 किया, इधर आपका +2 कर दिया, इधर -2 कर दिया, इधर भी -2 कर दिया, तो सभी में -2 कर रहा कि इसमें +2 कर रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे 25 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और आपको इंटरेस्ट भी लगा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट एग्जाम उठाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।